इस पत्थर के नीचे फिलहाल हम अपना डेरा जमाते हैं। सलाम अलैकुम, गुड आफ्टरनून। दिन के बज चुके हैं 2 और हम एक झील पर पहुंच गए जिसको लोकल यहाँ के कहते हैं। अभी हमने एक से पूछा, मरग सर, ये पूरा पैच मरग है। वो सामने जो रिज लाइन है, रिज लाइन पर चढ़कर इसके अगली तरफ त्रुसर देखने को मिलेगा। अब तक तो हमें ऐसा महसूस हुआ था कि हम शायद त्रुसर ट्रैक नहीं कर पाएंगे, मतलब मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आज आप त्रुसर सीरीज का एपिसोड 3 देख रहे हैं। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको पता चले ये एक्सपेडिशन कैसे और कहां से शुरू हुआ था। काचा गली में नाले रोमशी पार करते ही ये मुश्किल तरीन पहाड़ हमारी हिम्मत को ललकारने लगा। मौसम सर्द होने लग गया और तेज हवा के झोंके जिस्म के आर पार चल रहे थे। बादलों ने चारों अतराफ से घेर लिया जिससे हमें अंदाजा हुआ कान तोड़ बारिश होगी। 7 घंटे से हम मुसलसल चल रहे हैं, अभी भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। ये पीछे काचा गली और इस तरफ ये ढलान अबूर करने के बाद दोबारा से डिसेंड करना है, फिर सामने 2 रिज लाइन्स एसेंड करके हम त्रुसर पहुँच जाएंगे। ये एक ऐसी सतह मरतबा पर पहुंच गए हम। यहाँ से सामने ये फ्लैट पैच, फिर उन क्लाउड्स के पीछे हम त्रुसर पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से 1 घंटे में, यहाँ से 1 घंटा मैक्सिमम हमें यहाँ से टाइम लग सकता है, 1.25 घंटा। और बारिश गिरनी शुरू होगी। इस पत्थर के नीचे फिलहाल हम अपना डेरा जमाते हैं। बारिश इतनी तेज हुई कि हम मजबूरन एक बड़ी चट्टान के नीचे छुप गए। एक बार फिर से हमें लगा शायद हम त्रुसर नहीं पहुंच पाएंगे। आधे घंटे के बाद टीम ने फैसला कर लिया हम इसी मौसम में आगे बढ़ेंगे और सब चल पड़े। खारमर्ग खबर खोडमर्ग सर को देखकर ही महसूस हुआ ये छोटी झील है, पर कश्मीर की बहुत सारी मशहूर लेक से फिर भी बड़ी है। मसलन चोरनाग 1, कौनसर, डेंगसर, दोचरण 3 वगैरह वगैरह। इंतजार करें लास्ट एपिसोड का।